अशोक जी है वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और 24 में चुनाव है तो कुर्सी के लिए खड़े हुए हैं कि जैसे हमको कुर्सी मिल जाए ईपीएस के लोगों को छोड़ दें। देखिए, मैंने पीछे भी आपसे कहा था, दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी होती है किसी के दिल में जगह पाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें, लगातार जो लोग थे वो सवाल पूछ रहे थे और तमाम ऐसे मुद्दे, तमाम ऐसे लोग जो लगातार परेशान हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईपीएस 95 की बढ़ोतरी जो है वो कब होगी, कब हमको जो है ये नई सरकार जो आने वाली है या फिर ये सरकार जो इस समय है ये कब आखिर ईपीएस के लोगों की सुध लेगी। उन तमाम ऐसे चीजों को लेकर के और कई सवाल को लेकर के आज हम यहाँ पर जो है वो हाजिर हुई है। हमारे साथ अशोक जी हैं। पिछले कई दिनों से हम लोगों के सवाल जो है वो सबसे पूछते आ रहे थे, लेकिन आज उन सारे सवालों के जवाब हम यहाँ पर लेंगे और अब की बार आर या पार, क्योंकि ये जो सरकार है कुछ ही दिन में नई सरकार फिर से बनने वाली है। अब क्या ईपीएस के लोग ये तय करेंगे कि नई सरकार जो है वो यही होगी, क्या जो बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है तीसरी बार हम इतिहास रचेंगे, तो क्या वो तीसरी बार इतिहास रच पाएगी या नहीं रच पाएगी ये कौन तय करेगा, हम सवाल लेंगे। सर, सरकार जो है वो चुनाव होने वाला है और सरकार फिर से दावा कर रही है कि हम ही आएंगे, क्या ईपीएस के लोग उनके सपोर्ट में हैं? देखिए, हमारा काम होता है तो हमें सरकार से क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन काम नहीं होता है तो फिर लोग तो नाराज रहेंगे ही। लेकिन हमें आशा है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने दो बार आश्वासन दिया, अभी श्रम मंत्री ने परसों 30 तारीख को हमें आश्वासन दिया, कल भी हमारे परसों बुल्ढाणा में थे वो, सैटरडे संडे तब भी लोगों को आश्वासन उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है इस महीने में आपका काम करेंगे। अगर हमारा काम करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं, हम कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं चला रहे कि ये सरकार को गिराना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं पहले हमारा पेट भरे, हमारा पहले जो हमारा हक है वो हमें मिले, हमारी जो समाज में और फैमिली में जो इज्जत थी वो बरकरार रहे, बढ़े, और इसके लिए पैसों की सख्त जरूरत है। क्या क्या सरकार जो है वो दिन ब दिन एक एक करके लात मार रही है पेट पर आप लोगों की? ये प्रश्न 1995 से है और 1995 से ये प्रश्न है, जबकि 1971 से है जब फैमिली पेंशन स्कीम थी, तब से ये सवाल है। अभी अगर ये इसका उत्तर अगर इस हमें मिलता है इस महीने में तो सरकार के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ कि 1952 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लोगों को, कामगारों को जो दिलासा दिया था, जो उनके हित में निर्णय लिए थे, जैसे 8 दिन के वर्किंग आवर्स, छुट्टी का दिन, उसके बाद प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ सुविधाएं, ये सारे चीज़ें उन्होंने की थी, तो कामगार क्षेत्रों में वेलफेयर का एक बड़ा अच्छा दौर उन्होंने शुरू किया था। अगर मोदी जी ये निर्णय लेते हैं और हमें पेंशन का हमारा हक हमारे पैसे से ही दिलाते हैं, तो वो इनके लिए, उनके लिए इतना बड़ा निर्णय होगा कि उनके व्यक्तित्व में, सरकार के लिए, व्यक्तित्व के लिए कि बहुत बड़ा निर्णय होगा और कामगारों के भले का बहुत बड़ा काम ये दुनिया में हो जाएगा और ये हमारे पैसे से होगा। सर, फिर आप भी पॉजिटिव भेजा रहे हैं, अगर सरकार को ईपीएस 95 में बढ़ोतरी देनी थी तो अब तक कब का दे चुकी होगी? पिछले 7-8 सालों से आप लगातार लड़ रहे हैं और फिर आप एक नया, अपने आप से एक नया महीना जो है वो रख रहे हैं कि सरकार इस महीने में सुन लेगी। पिछले कई दिनों से या पिछले कई महीनों से हम भी तो आपके मुंह से यही सुनते आ रहे हैं कि सरकार अब सुनेगी, अब सुनेगी, क्यों नहीं सुन रही है? और उसके बाद भी लोगों का सवाल ये आपसे कि इतना भी पॉजिटिव क्यों है आप? अगर मुझे, हमारा उद्देश्य है लोगों के लिए पेंशन लेना, वो सरकार को उस पर राजी करना, सरकार से ये मनवाना और लोगों को पेंशन दिलवाना, ये हमारे पूरे आंदोलन का उद्देश्य है। इस आंदोलन का कोई भी पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं था, नहीं है, नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमारा काम नहीं होता है तो फिर उस पर अगर उतरना पड़ेगा तो वो भी हम करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे? लोग नाराज हो जाएंगे सरकार के प्रति और सरकार को फिर गिराएंगे या कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार ये भी तो मना भी तो नहीं कर रही है ना आप लोगों को, आप लोगों को वो लटकाए हुए है, ना इधर जाने दे रही है ना इधर जाने दे रही है। वही तो कह रहा हूँ मोना जी, अभी घोड़ा मैदान सामने है, आप देखेंगे कि अगर 30 तारीख तक हमारा निर्णय नहीं हुआ तो फिर हम जो, हमको जो करना है वो हम करेंगे। जो 31 दिसंबर बीता उस पर भी यही कहा गया था आप लोगों की तरफ। देखिए, आश्वासन मिलने पर मंत्री जी ने हमें
बुलाया। बुलाने के बाद हमें बताया कि आज आप आंदोलन पीछे लो, बूढ़े लोग हैं, उनको उनके तबीयत का ख्याल रखते हुए उन्होंने हमको बुला के ये बोला कि मैं आपका काम, हम आपका काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी, मोदी जी काम करेंगे। सवाल आपकी तरफ से ये नहीं पूछा गया कि पिछले 7-8 सालों से मोदी जी की सरकार है, पिछले 7-8 सालों से बीजेपी बैठी है, पिछले 7-8 सालों से आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है? वो तो है, वो तो आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन अभी ये जो मौका है, ये इलेक्शन के पहले का मौका है, एक बजट है, एक फरवरी से शायद उसमें कुछ होगा, ये आशा पे हम आंदोलन हमने खड़ा किया है। क्या उम्मीद है कि ईपीएस 95 में बढ़ोतरी मिल जाएगी या सरकार ऐसे गंगा जल लेके छिड़क देगी आप लोगों पर थोड़ा थोड़ा? हमारा तो काम पूरा होगा, हमारा काम पूरी तरह से होगा। 7,500 महंगाई भत्ता, जिसको 1,000 रुपए मिलता है उसको मिलेगा, जिसको उससे ऊपर मिलता है उसको उसके रेशियो में ऊपर भी बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो, और मैं तो बल्कि आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि 12 जनवरी को हमारे पूरे हिंदुस्तान में हम मोर्चे निकाल रहे हैं ईपीएफओ के ऑफिस में, 22 जनवरी को और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, हम चाहते हैं कि उस हमें भी उस प्राण प्रतिष्ठा में हमारे राम की पूजा करने में भूखे पेट ना करनी पड़े, भरे पेट हम पूजा करें, और हम उनके प्राण प्रतिष्ठा में हमारे प्राण और हमारे प्रतिष्ठा, जो हमारे बुजुर्ग है उनके भी प्राण और प्रतिष्ठा के सम्मान हो, ये हम चाहते हैं सरकार से। 12 जनवरी को जो आप कह रहे हैं कि हम ईपीएफओ के ऑफिस को घेरेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार जैसे आप लोगों ने घेरा था, डिटेन कर लिया गया, उसके बाद फिर वापस कर दिया गया, तो फिर ना वापसी हो जाए आपकी बुलडा? परिणामों की चिंता करते हुए आप आंदोलन नहीं कर सकते। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ऑफिसेस है, तकरीबन 200, उतने ऑफिसेस पे मोर्चे निकलेंगे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह। जैसे उत्तर प्रदेश में 10 ऑफिस है, उत्तराखंड में 2 है, महाराष्ट्र में 8 है, ये सभी ऑफिसेस में मोर्चे निकलेंगे, बड़ी तौर पे निकलेंगे, और उसमें जिसको डिटेन करना है करें, या हमें अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करने दें। अच्छा, एक सवाल और बिहार से बेसिकली सवाल था कि उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया, मध्य प्रदेश को शामिल किया गया, और जो आपने क्रमिक अनशन की एक लिस्ट बनवाई उसमें जो है राजस्थान है, तमाम राज्य हैं, तो बिहार क्यों नहीं है, बिहार को क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? नहीं, बिहार को छोड़ा नहीं है, बिहार का ये है कि वहाँ पे हमारी सभाएं भी हुई है बहुत बड़ी बड़ी, हमारे वहाँ पे एस एन मिश्रा जी अध्यक्ष है बिहार के, अच्छा काम चल रहा है, लेकिन बिहार में जो 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 तबके से लोग आते हैं बहुत कम पे ही उनको पेमेंट मिलता है, तो इसलिए हमने उनके ऊपर छोड़ा है, नीचे एक नोट लिखी है उसके कि इतर अन्य राज्यों के लोग जब भी किसी भी दिन शामिल होना चाहे तो हो सकते हैं, तो उसमें बिहार भी आ गया है, ऐसा स्पेशली बिहार का हमने लिखा नहीं होगा, तो किसी भी दिन में वो शामिल हो सकते। एक सवाल और था, लोग ये कह रहे थे कि अशोक जी है वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और 24 में चुनाव है तो कुर्सी के लिए खड़े हुए हैं कि जैसे हमको कुर्सी मिल जाए ईपीएस के लोगों को छोड़ दें। देखिए, मैंने पीछे भी आपसे कहा था, दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी होती है किसी के दिल में जगह पाना, और वो कुर्सी मुझे मिल गई है। वो तो मिल गई है आपको। वो मिल गई है, उस कुर्सी से ऊपर कोई कुर्सी नहीं होती। अब राजनीतिक कुर्सी की बात हो रही है? नहीं, उसमें तो कोई हमारा, हम किसी पार्टी का तो मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं बस ईपीएस के लोगों का काम कर रहा हूँ, मेरे लिए ईपीएस के पेंशनर्स भगवान है और उन्हीं का भक्त हूँ मैं, और उन्हीं का काम कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि 24 में चुनाव आ रहा है, कहीं आप लोग भी अपना एक जो है मोर्चा खोल लें और आप कहीं से चुनाव लड़ जाएं? लोग तो आपके पास भी ज्यादा नहीं, लोग तो बहुत ज्यादा है, हमारे बिखरे हुए लोग है, और हम चुनाव के लिए ये कर नहीं रहे, ये सब जो कर रहे हैं, लोगों को पेंशन दिलाकर उनका हक दिलाना, ये उसका मेन मकसद है। चुनाव उनाव छोटी बातें हैं, वो जो करते हैं करें, देश के लिए अच्छा भी है, अच्छे लोग चुन के आए उसमें भी। अशोक जी, आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति, अभी हमने इस 4 तारीख से ही, 4 तारीख से सभी सांसदों को हम घेर रहे हैं, मिल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारा मुद्दा उठाओ, अगर आपने हमारा काम किया तो ठीक, नहीं तो अगले इलेक्शन में आप जीत नहीं पाओगे, इसकी गारंटी हम देते हैं, या हम किसी भी पार्टी का कोई भी सांसद है उसको हम जाके बोल रहे हैं। तो ये हुआ एक। दूसरा, हमारे जो 31 मेंबर है स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर के, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर के, उनको घेर रहे हैं,
उनको बोल रहे हैं कि आपका रिपोर्ट अभी तक पहुंचा नहीं है, क्यों नहीं पहुंचा है, आप क्या कर रहे हो? सीबीटी मेंबरों को घेर रहे हैं कि भैया आप लोग कामगारों को प्रतिनिधि है, आपने ट्रेड यूनियन से जाते हो, आपने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? और आप क्या वहाँ पे जो मीटिंग करते हो तो चाय बिस्किट खाने के लिए जाते हो? कभी वॉकआउट किया आपने? कभी कुछ आपने मुद्दा उठाया हमारा मिनिमम पेंशन का? अगर नहीं उठाया तो आपकी यूटिलिटी क्या है हमारे लिए? आपका यूटिलाइजेशन हमारे लिए क्या है? आप किस हमारा लिए क्या फायदा है आपका आपके होने का? ये हम उनको भी पूछ रहे हैं। और फिर 12 तारीख को हम ईपीएफओ के ऑफिस में मोर्चे लेके जा रहे हैं। 22 तारीख से या 26 तारीख से पहले, 22 तारीख एक बड़ा दिन है, भगवान राम की श्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। हम चाहते हैं कि उसके पहले हमारा काम हो, भूखे पेट भजन नहीं होता गोपाला। ठीक, अभी आप जिक्र कर रहे थे बजट पेश होने वाला है, तो ये तो अंतरिम बजट है, इसमें कैसे सरकार दे देगी आप लोगों को ईपीएस 95 की बढ़ोतरी? देखिए, जब मोदी जी ने 1000 रुपए पेंशन की थी तो कौन सा बजट था? कुछ नहीं था। ये डिसीजन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में लिया जा सकता है, ये डिसीजन सीबीटी में लिया जा सकता है, इसके कई तरीके हैं। इसको बजट की आवश्यकता तभी होगी जब फाइनेंस मिनिस्टर को इसमें कुछ देना पड़ेगा, वो भी दे सकते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी अनाउंसमेंट 22 तारीख से पहले या 26 तारीख से पहले हो, ताकि हम लोगों को ठंडी में फिर जंतर मंतर पे बैठ के मरना ना पड़े। अच्छा, एक सवाल और, क्या अब की बार आर या पार की उम्मीद है? बिल्कुल है, क्योंकि अभी तक हमने जो किया आश्वासनों पे हमने तोड़ा है। इस बार भी हमने, आपने देखा होगा, जंतर मंतर पे 14 तारीख को जब हम लोग बैठे थे, आमरण अनशन पे 13 से बैठे थे, डिटेन किया गया, फिर 14 को बैठे, फिर बुला के आश्वासित किया गया, 19 को बैठे, फिर 19 को आए। नहीं, 19 को आए, वो तो आपसे मिलने आए थे, आप लोगों से भी मिलने और कुछ मुलाकातें करने, उनसे भी मिले। तो हम अपने प्रयत्न में कहीं खोट नहीं रखना चाहते, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। हम वही काम करना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। हमारी भक्ति में इतना दम हो, हमारी शक्ति इतनी बढ़े कि आगे वाला भी देना ही पड़े उसको, वो झुके या माने जो भी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुजुर्ग जो देश के कोने कोने में बैठे हुए हैं, जिनके लिए एक उम्मीद है, अशोक जी आज हमारे साथ हैं, और उन तमाम चीज़ों पर हमने इनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की। वो सारे सवाल जो आप लोग लगातार हमसे पूछ रहे थे, वो सारे सवाल जो इस उम्मीद में आप लोग थे कि कभी ना कभी उसका जवाब जो है वो अशोक जी से मिलेगा, मिला हुआ है। और बाकी की जो उम्मीदें हैं अब की बार आर या पार की है, अब देखने की बात ये होगी क्या सरकार इसी महीने में मानेगी या फिर से अपनी जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, वो तीसरी बार जो उसकी उम्मीद है कि हम इतिहास रचेंगे, उसमें वो नाकाम होगी।